कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपको हेल्प करेगी HTET, CTET, REET, KV या फिर DSSB दिल्ली के एग्जाम में। जितने भी आज हम सिद्धांत करेंगे वो सारे ट्रिक बेस्ड होंगे। मैंने 25 के आसपास सिद्धांत कवर किए हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको सभी सिद्धांत समझ में आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सिद्धांत या विधि बोलेंगे डोल्टन विधि। इसके प्रतिपादक कौन है डोल्टन विधि के? जो डोल्टन विधि है उसके प्रतिपादक हैं हेलेन पार्क हर्स्ट। इस विधि को बनाया है हेलेन पार्क हर्स्ट। इस विधि को तो याद कैसे करोगे? डोल्टन यानी डॉट। आपको इसमें पिक्चर में डॉट दिख रहे होंगे। डॉट डॉट कहाँ पे है? एक पार्क है, पार्क की वॉल पे क्या है? डॉट, ये डॉट बने हुए हैं यानी डोल्टन। डॉट कहाँ पे है? पार्क है और पार्क में क्या है? डॉट है। आप इसको ईजिली इसको याद कर सकते हो। डॉट डॉट कहाँ पे? पार्क में क्या है? डॉट ही डॉट है। ये ध्यान रखना, ये प्राइमरी स्टूडेंट है उनके लिए हेल्पफुल नहीं होगी डोल्टन विधि। ये जो माध्यमिक बच्चे हैं, माध्यमिक क्लास की क्लासेज हैं, उनके लिए हेल्पफुल होगी ये। सेकंड विधि अपनी किंडरगार्टन जो है, जिसको बनाया फ्रोबेल ने। किंडरगार्टन, किंडर होते हैं छोटे बच्चे, गार्टन यानी कि किंडरगार्टन, गार्डन यानी गार्डन में क्या है? गार्डन में क्या लगी हुई? देखो आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेल। गार्डन में क्या लगी हुई है? बेल। बेल से बनेगा फ्रोबेल और गार्डन से बनेगा किंडरगार्टन। आप इजीली इसको याद कर सकते हो। किंडरगार्टन यानी गार्डन में क्या है? गार्डन में क्या है? बेल। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे नंबर 3 है मनोविश्लेषण विधि। देखिए कैसे याद करोगे? मन का विश्लेषण, मन का विश्लेषण किया है। कैसे किया मन का विश्लेषण? मन का विश्लेषण यानी मन को तोड़ा। मन को कैसे तोड़ा? जो सिगमंड फ्रायड यानी सिगमंड फ्रायड, इसको आप ये कर सकते हो डायमंड फ्रायड यानी कि डायमंड को फ्राई करके। यानी मन का विश्लेषण किया कैसे? एक डायमंड है, डायमंड को फ्राई करके हमने क्या है? मन का विश्लेषण किया है। आप इसको इजीली याद कर सकते हो। सिगमंड फ्रायड, इन्होंने जो मन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, ईद, ईगो और सुपर ईगो। और दूसरा इन्होंने बताया चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। जो सिगमंड फ्रायड है उन्होंने मनोविश्लेषण विधि है उनको, उस विधि का प्रतिपादक है ये। नेक्स्ट है मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी विधि, ये मारिया मोंटेसरी है। ये तो इसमें ट्रिक की कोई जरूरत ही नहीं है। मोंटेसरी मोंटेसरी और ये 3 से 6 साल के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये मोंटेसरी विधि। नेक्स्ट है संरचनावाद। जो संरचनावाद है उसको किसने दिया? संरचनावाद को विलियम वोंट और टिचनर ने संरचनावाद को दिया। अब संरचनावाद को कैसे याद करोगे? संरचना या फिर रचना, रचना नाम की कोई लड़की है उसको टीच किया। टीच किसने किया? रचना नाम की कोई लड़की है उसको टीच किया। टीच किसने किया? विलियम ने। आप ऐसे इसको इजीली याद कर सकते हो। रचना, रचना को टीच किया। टीच किसने किया? विलियम ने। विलियम से विलियम वोंट, टीच से टिचनर और रचना से संरचना। व्यवहारवाद, व्यवहारवाद को किसने बनाया? वाटसन ने। याद रखना ये 20वीं शताब्दी से व्यवहारवाद स्टार्ट हुआ था। व्यवहारवाद, व्यवहारवाद को बनाया वाटसन ने। व्यवहार यानी व्यवहार की वाट लगा दी किसने? सन। यानी सन ने क्या है? व्यवहार की वाट लगा दी। व्यवहार की वाट लगाई किसने? सन ने। व्यवहार से व्यवहारवाद और वाट सन, वाटसन से हो जाएगा वाटसन। नेक्स्ट प्रबलन, इसको इरेज कर देता हूँ एक मिनट। प्रबलन, पुनर्बलन, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, इसके प्रतिपादक है शी अल हल। इसको कैसे याद करोगे? प्रबलन, पुनर्बलन, पुनरावृत्ति यानी प्रबलन, पुनर्बलन यानी बार बार, बार बार बल देके, बार बार बल देके हम क्या है, हमें क्या है, कोई भी प्रॉब्लम है उसका हल मिल जाएगा। यानी कोई भी प्रॉब्लम है उसका हल कैसे मिलेगा? उसका हल कैसे मिलेगा? उसके हल के लिए में क्या है, उस पर बार बार बल लगाना पड़ेगा। यानी बार बार बल यानी कि पुनर्बलन का मीन है बार बार बल लगाना और पुनरावृत्ति, उसको बार बार दोहराना पड़ेगा, उसका समस्या का हमें हल मिल जाएगा। आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट बाल अंतर्बोध, इसको बोलते हैं CAT, चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट। बाल, बाल से बालक और इसका देखो लियोपोल्ड बैलक, यानी यहाँ पे बालक, यहाँ पे बैलक। बाल से बालक, बालक और बैलक, इसके प्रतिपादक है बैलक। आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो।
नेक्स्ट रोरसा शाही दब्बा, रोरसा शाही दब्बा इसको आप इजीली कर सकते हो। हरमन रोरसा इन्होंने किया, 10 टाइप के कार्ड लिए थे, पांच जो कार्ड थे, पांच कार्ड थे कलरफुल और पांच कार्ड थे ब्लैक एंड वाइट, और ये व्यक्तित्व मापन की एक विधि है रोरसा शाही दब्बा, इसको आप इजीली लर्न कर सकते हो। इसमें तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे रोरसा, ये भी रोरसा। खेल प्रणाली, खेल प्रणाली यानी खेल खेल में, देखो इसमें भी जो पिक्चर में एक बेल दे रखी, बेल यानी खेल खेल में क्या है, बेल को तोड़ दिया, तो बेल से बनेगा फ्रोबेल। याद रखिए अगर ऑप्शन में फ्रोबेल नहीं, अगर ऑप्शन में कुक आता है, अगर ऑप्शन में कुक आता है तो आपको ऑप्शन में कुक कर देना, अगर आपको फ्रोबेल नहीं मिलता ऑप्शन में कुक मिलता है तो खेल प्रणाली की जो प्रतिपादक है वो कुक भी है, यानी पहले इनको कुक ने दिया था लेकिन बाद में इसका विकास फ्रोबेल ने किया था, ये याद रखना। नेक्स्ट नंबर 11, सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब इसमें देखो इसके जो प्रतिपादक हैं वर्दिमर कोलर कोफा, आपको याद हो तो जो सुल्तान नाम का चिंपैंजी था, सुल्तान नाम का चिंपैंजी था, इन्होंने इसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। सोच व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो इनको वर्दिमर कोलर कोफा, इनको बोलते हैं गैस्टालवादी, इनको बोलते हैं गैस्टालवादी। इनको कैसे याद करोगे, अब देखिए कोई लड़का है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा लेकिन उसको क्या जॉब नहीं मिलती, उसने बार बार ट्राई किया लेकिन उसको क्या जॉब नहीं मिली, तो उसने क्या किया अपनी अंतर्दृष्टि अपनी सूझबूझ का यूज किया, उसने अपनी अंतर्दृष्टि और सूझबूझ का प्रयोग किया, उसने क्या एक वर्दी सिलवाई, एक कलरफुल क्या है उसने वर्दी सिलवाई, ठीक है, और कलरफुल वर्दी सिलवाने के बाद वो कहाँ पे गया, उसने एक गैस की स्टोल ली, एक क्या किया उसने, उसने गैस की स्टोल ली, गैस स्टोल, गैस की स्टोल ली, उस पर क्या है उस पर मक्का बनाना, इसने मक्का बनाने का काम स्टार्ट कर दिया, क्या काम स्टार्ट किया, मक्का बनाने का काम स्टार्ट कर दिया जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। यानी देखो वर्दी, वर्दी एक लड़के ने वर्दी ली, वर्दी से वर्दीमर हो जाएगा, और उसने वर्दी कैसी ली, कलरफुल ली, ठीक है, कलरफुल, कलर से हो जाएगा कोलर, और उसने क्या लिया फिर गैस की स्टोल, एक गैस की स्टोल ली, और गैस स्टोल पर क्या काम किया उसने, मक्का, मक्का से बनेगा कोफा, मक्का कोफा, मिलता जुलता शब्द है मक्का कोफा, यानी सूझ, उसने अपनी सूझ अंतर्दृष्टि से जो अंतर्दृष्टि है उसका उसने प्रयोग किया। तो सोच और अंतर्दृष्टि या गैस्टालवाद इसके कौन है प्रतिपादक है, वर्दिमर कोलर कोफा, और उन्होंने क्या किया था जो सुल्तान नाम का चिंपैंजी था उस पे अपने एक्सपेरिमेंट किया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आत्मज्ञान, आत्मज्ञान मैस्लो, आत्मज्ञान यानी हमें खुद का ज्ञान कब होगा, जब हम बार बार अपने माइंड को मसलेंगे, ठीक है, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान कब होगा, जब आप बार बार अपने माइंड को क्या है आप मालिश भी कर सकते हो, मालिश करोगे या मसलोगे, यानी बार बार मसलोगे माइंड को तभी हमें क्या आत्मज्ञान होगा, तो आत्मज्ञान कब होगा, मसलने से, मालिश करने से, तो मालिश करने से मसलने से क्या बन जाएगा, मैसलो बन जाएगा, आप इसको लर्न कर सकते हो। मांग का सिद्धांत, ये हेनरी मूरे ने मांग का सिद्धांत दिया था, मांग, अब मांग देखो मांग किसकी, हैन की, हैन की मांग, और किसने भरी, मुर्गे ने, आप इसको इजीली कर सकते हो, मांग यानी मांग किसकी, हैन की मांग है और किसने भरी ये, मुर्गे ने, तो मांग का सिद्धांत हेनरी मूरे, मांग से मांग का सिद्धांत, हैन से हेनरी और मुर्गे से मूरे, तो मांग का सिद्धांत हेनरी और मूरे, इजीली इसको लर्न कर सकते हो। प्रासंगिक अंतर्बोध इसको बोलते हैं टैट, टी ए टी, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। टैट इसको दिया था मॉर्गन और मूरे ने, अब इसको आप कैसे याद करोगे, टाट, अब देखो जो हम जो लोकल लैंग्वेज में सिर को जो हेड को बोलते हैं टाट, यानी कि टाट बोलते हैं ना, टाट यानी टाट, जो मुर्गा, एक मुर्गा है, मुर्गे की टाट पे क्या मारे, मुर्गे की टाट पे मारे, मुर्गे से क्या बनेगा मॉर्गन, और टाट से टी ए टी टैट यानी कि थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, और मारे से बनेगा मूरे, आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो। देखिए जो पहले वाली ट्रिक थी मांग का सिद्धांत, इसमें क्या था, हैन भी थी और मूरे थी, हैन और मुर्गा था, हेनरी और मूरे, इसमें क्या था टाट, यानी कि टाट, टाट किसकी, मुर्गे की, उस पर क्या मारे, मारे से मूरे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सामाजिक अधिगम, सामाजिक अधिगम जो इसके प्रतिपादक है अल्बर्ट बंडूरा, इसमें क्या हुआ, समाज में, समाज में क्या है, गम ज़्यादा हो गया, ठीक है, समाज में जो गम है वो ज़्यादा हो गया, उसको कम करने के में क्या है, हमने क्या है भंडारा लगाया,
आप इसको इजीली याद कर सकते हो। समाज में क्या है, गम ज़्यादा हो गया, गम को कम करने के लिए हमने क्या है भंडारा लगाया, ठीक है। और भंडारे में क्या थे, भंडारे में थे आलू, आलू से अल्बर्ट हो जाएगा, भंडारे से भंडोरा हो जाएगा, और समाज से सामाजिक, और गम से अधिगम। आप इजीली इस ट्रिक को लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्रिया प्रस्तुत, ये दिया था स्किनर ने, क्रिया प्रस्तुत यानी क्रिया, क्रिया या संक्रिया प्रस्तुत, इसको क्रिया प्रस्तुत भी बोलते हैं और इसको संक्रिया प्रस्तुत भी बोलते हैं। क्रिया प्रस्तुत यानी किया प्रस्तुत, किया प्रस्तुत, कोई चीज़ प्रस्तुत करेंगे, प्रस्तुत किस पे की, वो हमने क्या स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन, एक हमने किया, किया प्रस्तुत, प्रस्तुत किया किस पे, स्क्रीन पे, स्क्रीन से क्या हो जाएगा स्क्रीनर हो जाएगा। इसको याद रखना, याद कैसे करोगे, क्रिया प्रस्तुत यानी कि किया प्रस्तुत, और कैसे प्रस्तुत किया है, स्क्रीन के माध्यम से हमने प्रस्तुत किया है। तो क्रिया प्रस्तुत या संक्रिया प्रस्तुत किसका सिद्धांत है, ये स्किनर का सिद्धांत है। होप आपको सब समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट ट्रिक भी नहीं है। अब देखिए 17 से 20, ये चार सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत हैं थॉर्नडाइक के, एस आर उद्दीपन अनुक्रिया, एस आर थ्योरी, ये दो इसमें एस आर थ्योरी बोलते हैं इसको, और उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत बोलते हैं। एस आर स्टिमल्स रिस्पॉन्स, एस का मीन स्टिमल्स और आर से रिस्पॉन्स, स्टिमल्स यानी उद्दीपन और आर से रिस्पॉन्स अनुक्रिया, ऐसा थ्योरी बोलते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी बोलते हैं, ये संयोजनवाद भी बोलते हैं, थोड़ा ही मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, संयोजनवाद भी बोलते हैं इसको, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत या प्रयास व भूल का सिद्धांत भी, और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, इन सभी का आंसर एक ही है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट थे, इसके बेस पर आपको 2-3 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं टैट वगैरह में। अब इसको कैसे लर्न करेंगे हम, एस आर देखो, एक शाहरुख खान यानी एस आर, जो एस आर एक शाहरुख खान नाम का लड़का है, वो क्या करता है बार बार योजना बनाता है, और योजना किसकी, वो योजना बनाता है, लेकिन हर बार योजना में क्या है, वो प्रयास करता है, लेकिन वो क्या उससे त्रुटि हो ही जाती है। एस आर यानी शाहरुख खान नाम का लड़का, कोई शाहरुख नाम का लड़का है, और वो क्या करता है बार बार योजना बनाता है, उसमें काफ़ी प्रयास करता है, लेकिन हर बार उसे भूल या त्रुटि हो ही जाती है, ठीक है। उसको शिक्षा देने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसको शिक्षा देने के लिए हम उसको कहाँ पे लेके जाते हैं, थाने में लेके जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कितना भी हर किसी, सबसे अच्छी शिक्षा जो थाने में मिलती है, वैसी शिक्षा आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो उसको शिक्षा देने के लिए थाने में लेके गए। थाने पे किस पे, बाइक पे लेके गए, जो आप इसमें फोटो में देख सकते हो, यानी थाने में लेके गए बाइक पे, थाना बाइक, थाने और बाइक से बनेगा थॉर्नडाइक, ठीक है, थाने और बाइक से बनेगा थॉर्नडाइक। और एस आर यानी एस आर से बनेगा एस आर थ्योरी, और योजना, योजना से बनेगा, योजना से बनेगा संयोजनवाद, ठीक है। उसने बार बार क्या योजना बनाई, लेकिन फिर भी क्या उसने प्रयास किया, फिर भी उससे क्या भूल त्रुटि हो जाती है। उसको शिक्षा देने के लिए कहाँ पे लेके गए, थाने पे लेके गए, कहाँ किस पे बैठा के, बाइक पे बैठा के। तो आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्षेत्र सिद्धांत या फिर तलरूप सिद्धांत, इसके दो नाम हैं, क्षेत्र सिद्धांत बोल सकते हैं इसको या तलरूप सिद्धांत बोल सकते हैं। कूट लेविन, इसको कूट लेविन बोलते हैं, ये कूट लेविन है, यानी कूट लेविन यानी कूट से बना कुर्ता, कुर्ता, और कुर्ता कौन सा है, कुर्ता लेनिन का, जो कुर्ते का कपड़ा कैसा है, लेनिन, यानी जो लेनिन का कुर्ता, यानी कुर्ता लेनिन का लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, क्षेत्र में जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी क्षेत्र को बोलते हैं फील्ड, इसको फील्ड थ्योरी बोलते हैं, फील्ड थ्योरी यानी क्या है, आपको लेनिन का कुर्ता, लेनिन का कुर्ता लेने के लिए आपको क्या क्षेत्र में जाना पड़ेगा, समझ गए, क्षेत्र को बोलते हैं फील्ड, यानी लेनिन का कुर्ता लेने के लिए आपको क्या है फील्ड में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेनिन कुर्ता यानी कि कुर्ता लेनिन का, तो कोट लेविन हो जाएगा, और क्षेत्र से क्षेत्र का सिद्धांत या फील्ड थ्योरी, ठीक है। और इसका तलरूप सिद्धांत भी ये कूट लेविन का ही है। नेक्स्ट एक खंड बुद्धि सिद्धांत, एक खंड बुद्धि सिद्धांत यानी एक ही खंड, एक ही पार्ट है, जो मैंने देखो स्क्रीन पे दिखा रखा है ना, बीन बना रखा है, ये एक खंड है, एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा किसका है, बीन, देखो बीन से इसको बोलते हैं बीन, जो फलियाँ होती हैं फलियों को बोलते हैं बीन, ठीक है। एक खंड यानी एक ही टुकड़ा है, एक ही पार्ट है किसका, बीन का,
ठीक है। तो बीन से क्या बनेगा, बीने बनेगा, एक खंड से एक खंड है, यानी एक टुकड़ा है, एक खंड है, एक भाग है, एक खंड बुद्धि सिद्धांत है, ठीक है। एक खंड किसका है, बीन का, बीन से क्या बनेगा, बीने बन जाएगा। इसको इकाई योजना भी कहते हैं, एक खंड बुद्धि सिद्धांत है, इसको इकाई योजना भी कहते हैं, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट, दो खंड बुद्धि सिद्धांत या तीन खंड बुद्धि सिद्धांत, दो खंड बुद्धि सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, तीन खंड बुद्धि सिद्धांत भी बोलते हैं। ये दिया स्पीयरमैन में, स्पीयरमैन ने। अब देखिए, पहले एक खंड किसका था, बीन का था, जो एक खंड सिद्धांत है, लेकिन अभी क्या है, दो खंड है, तीन खंड है। अब बीन में क्या है, अब क्या मैं हमारे पास क्या है, कोई चीज़ है, उसके दो खंड दो हैं तीन हैं, हम क्या करेंगे, दो और तीन को किसमें उसको बांटेंगे, उसको मैन में बांटेंगे, मैन, दो चीज़ें हैं तीन चीज़ें हैं, वो किसमें बांटेंगे, मैन में, मैन से क्या बनेगा, स्पीयर मैन बन जाएगा, मैन से क्या बनेगा, स्पीयर मैन, यानी दो खंड तीन खंड, अपने पास दो खंड है यानी दो टुकड़े हैं, तीन खंड तीन टुकड़े हैं, उसको किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैन में, मैन से क्या बनेगा, स्पीयर मैन बन जाएगा। और एक खंड, एक खंड याद रखना आपको, एक टुकड़ा किसका, बीन का, बीन से बनेगा बीने। नेक्स्ट, त्रिआयाम, त्रिआयाम, त्रि का मीन है तीन, ठीक है, त्रिआयाम आपको याद रखो, तीन आम, ठीक है, तीन आम, तीन आम को किस में लेके आए, फोर्ड में लेके आए, फोर्ड में, ठीक है, जो फोर्ड ट्रैक्टर है उसमें क्या, तीन आम लेके आए, त्रिआयाम यानी कि तीन आम, तीन आम किस में लेके आए, फोर्ड ट्रैक्टर में, ठीक है। तो फोर्ड से क्या हो जाएगा, गिलफोर्ड हो जाएगा, आप इजीली इसको लर्न कर सकते हो, त्रिआयाम तीन आम किस में लेके आए, फोर्ड में लेके आए, फोर्ड ट्रैक्टर में, ठीक है। और गिल भी याद रखना, तो ये करना कि वो आम क्या है, गीले थे, ठीक है, तीन आम जो गीले थे किस में लेके आए, वो फोर्ड में लेके आए, तो इसी त्रिआयाम से तीन आम हो जाएगा, और गिले फोर्ड यानी कि गिले आम थे वो क्या, फोर्ड में लेके आए, तो गिल फोर्ड हो जाएगा। बहुबुद्धि, बहुबुद्धि सिद्धांत ये थान डाइक का ही बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी बहु, बहु ने क्या किया, बहु ने क्या किया, कपड़ों को डाई की, ये भी आप इसको इजीली याद कर सकते हो, बहु ने क्या किया, डाई की। अब डाई से क्या बनेगा, आप ऑप्शन में मिल जाएगा, डाई से, डाई से क्या बनेगा, थान डाइक बनेगा, बहुबुद्धि सिद्धांत भी किसने दिया, थान डाइक ने दिया था। नेक्स्ट है, आज की, आज का अपना लास्ट सिद्धांत है, बहुबुद्धि सिद्धांत, सॉरी, मूल प्रवृत्तियाँ, मूल प्रवृत्तियाँ, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था मैकडूगल ने, यानी आपको देखो, मूल से बना मूली, मूली क्या वो गल गई, मूली क्या है, मूली गल गई। अब मूली से बनेगा मूल, और गलने से बनेगा गलने, देखो ऑप्शन में चेक करना, गल किसका, यानी मूली गल गई, मूली कब गली, आप ये भी कर सकते, मैगी, मैगी साथ क्या है, मैगी साथ मूली गल गई, मैगी साथ गल गई, तो मैगी गल से बनेगा मैकडूगल, और मूली से बनेगा मूल प्रवृत्तियाँ। मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी, ये भी आपको याद रखना है। होप आप सभी को ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।